वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की कराची की बहुत मशहूर कॉलोनी मच्छर कॉलोनी जिसे बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मच्छर कॉलोनी, इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह ये थी कि इसका नाम मच्छेरा कॉलोनी था लेकिन बाद में बिगड़ के मच्छर कॉलोनी पड़ गया। असल में इसको मच्छेरा कॉलोनी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर कॉलोनी के अंदर बेसिकली आबादी है वो 65% बंगालियों की आबादी है, क्योंकि वो मच्छेरों का काम करते थे यहाँ पे, करते हैं बल्कि अभी भी। तो इस वजह से इसको शायद बिगड़ने की वजह से मच्छर कॉलोनी पड़ा। और ये हम लेकिन यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसको मच्छर कॉलोनी क्यों कहा जाता है। इसका नाम तो मच्छेरा कॉलोनी था और इस इलाके में कितनी तादाद में जो है बंगाली लोग आबाद हैं वो भी हम देखेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। खानों को देखेंगे, अगर कहीं खाने मिल जाते हैं तो उन खानों को भी दिखाएंगे आपको, लोगों से मिलवाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और जी ये एक्लास चौक है यहाँ पे, ये मच्छर कॉलोनी में आता ही नहीं आता ये मालूम करते हैं। और कुछ सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आप भी बंगाली कम्युनिटी से ही हैं जी। अच्छा, ये मच्छर कॉलोनी का क्या कॉन्सेप्ट है? मच्छर कॉलोनी बोलते हैं, वैसे मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें ये है कि मच्छेरा कॉलोनी थी और जहाँ पे बंगाली जो थे हमारे वो मच्छेरे थे, वो काम करते थे मच्छेरे का, इसलिए मच्छेरा बोलते थे। मच्छर कॉलोनी का क्या चक्कर है? चक्कर ये है, यहाँ पर जितना भी आबादी है, जो लोग हैं इनका जो पेट पालने के लिए जो इनका जो काम है वो मच्छर का काम करते हैं। फिशरी में जाते हैं, लंच में काम करते हैं, मछली को पकड़ के लाना है, उसको फिलिंग करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो काम है सब यहीं होते हैं। अच्छा, सारा इधर ही होता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो बंगाली हमारे जो लोग भाई रहते हैं इधर, वो बांग्लादेश से किस ज़्यादा, जैसे बफर जोन में जो थे वो कुमेलिया के थे, तो यहाँ पे कौन से इलाके के ज़्यादा हैं? यहाँ पर मिक्स आबादी है। अच्छा, तो यहाँ बांग्लादेश से यहाँ का लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, वो तो ख़त्म है ना, ज़ाहिर है, ख़त्म हो गया। ये जो आबादी है ना 1971 से 65 से ये यहाँ पर आबादी है। हाँ हाँ सही। तो वहाँ से जो यहाँ पर नहीं आए इस इलाके में बांग्लादेश। अच्छा। से जो 71 के बाद कोई लोग यहाँ पर नहीं है, इधर नहीं पहले से रह रहे हैं? ये पहले से रहे। अच्छा अच्छा, तो आपकी पैदाइश वगैरह भी इधर ही है? सब सब इधर। तो अपनी जबान अब आती है या भूल भाल गए? नहीं, अभी इतना खास तो नहीं आती, खास तौर पर नहीं आती अभी। मिक्स हो गया ना आबादी, मिक्स हो गया आबादी, हो गया सही। अच्छा, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह यहाँ पे मैंने देखा पान वान लोग ज़्यादा खाते हैं। आप भी बंगाली कम्युनिटी से ही हैं? मैं तो इधर ही तो रहते ही रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही हो रहते हैं लेकिन बंगाली बोलने वाले तो है ना। हाँ, तो अभी बताएं बच्चों को सिखाइए बंगाली के नहीं? और बंगाली भी सिखाया, उर्दू भी सिखाया। अच्छा, पढ़ाया भी उर्दू में, इंग्लिश भी पढ़ाया। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये आप जो काम कर रहे हैं पान वाला, ये कब से आपने शुरू किया? ये तो 40 साल से ऊपर आ रहा है। कितने? 40 साल से ऊपर हो गए। ओहो हो, तो अब जाहिर है जब बांग्लादेश से आपने बोला कि इधर ही रहते हैं, रिश्तेदार वगैरह तो होते होंगे ना, रहते हैं जैसे? उधर हम लोग का कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं है, रहते सब पाकिस्तान के अंदर ही सड़े हैं। अच्छा, बंगाली के अंदर कोई बात करें हमारे साथ ना, बताएं बंगला क्या बोलो? क्या क्या वो कहते ना, केमोनासी? केमोनासी नहीं बोलते, मैं बोलते जी कहते केमोनासी। बाबा जी बालोवासी, आपने केमोनासन बालोवासन बालोवासन बालोवासन। नाम कैसे पूछेंगे बंगाली में? आपने नाम की? अपना नाम की है? हमारा नाम मोहम्मद नूरुल इस्लाम फकीर। नूरुल इस्लाम फकीर, आप भी बंगाली कम्युनिटी से हैं माशाल्लाह, तो आपकी पैदाइश भी इधर ही की है? नहीं। अच्छा, फिर आपकी किधर की है? मुर्शी पाकिस्तान। मुर्शी की पाकिस्तान की है, तो किस इलाके में आप पैदा हुए थे वैसे? उस टाइम जो है ना फेनी। कौन सी? नोआखाली। नोआखाली ये ढाका से करीब करीब है? नहीं नहीं, ढाका बहुत दूर है। ढाका बहुत दूर है? चिटागांग हमारे से करीब है। अच्छा, चिटागांग करीब है। मैंने देखा वहाँ पे वो आइलैंड वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, बीच में छोटे छोटे जजीरे बने हुए हैं, जजीरों पे लोग रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब कल्चर घरों के अंदर ख़त्म हो गया है जो खाने बनते थे? हमारे भी, हमने बचपन से देखा है, हमारे साथ भी रहते थे बंगाली लोग, तो उनके घरों में मच्छी चावल बनते थे, एक डिश बनती थी करेला गोश्त बनता था और प्याज भी बीच में होती थी, ये अभी होता है, बनता है सब कुछ? ये तो मैं तो फकीरी लाइन पे जो है ना, दरबारी लाइन पे मैं इतना डूबा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने दरबारी लाइन तो होगा ना बचपन से लेके मैं दरबार में। अच्छा, दरबारी लाइन पे अभी भी हमारा दरबार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा 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 अच्छा, वो इंडिया में हो तो जी? हाँ हाँ हाँ। फिर हमारा दरबार जो है ना फैनी जो है ना बराई गुनी नाम है, चलश्वरा जो बिरयानी है जी। तो आप कभी गए वहाँ पे? या गए? कब गए थे आप? मेरा पूरा खानदान उधर है। अच्छा, आप अकेले इधर हैं? जी। ओहो हो, तो आपने यहाँ दरवेशी में गुजारी जिंदगी सारी? जी। तो कभी ख्वाहिश नहीं की जाने की? गया मैंने 1981 में एक दफ़ा गया था बस।
तो यहाँ पे अकेले मसले नहीं, अकेला नहीं है, बच्चा है दो। अच्छा, बच्चे शादी हो गए, छोटा दो बच्चा हो गया। अच्छा 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 अच्छा, तो बच्चों को बंगाली सिखाया आपने? बंगला है, उर्दू है। अच्छा अच्छा, फिर इंग्लिश भी है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग थे हमारे साहब, ने उनसे बात की है तो उनका कहना यही है कि हम तो इधर ही पैदा हुए हैं। एक साहब जो थे वो उन्होंने बांग्लादेश के किसी इलाके में पैदा हुए थे, बाकी क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है तो इसलिए बच्चों के अंदर जो ना वो बंगाली जो ज़बान है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र की भी है और बहुत सारे लोग नहीं भी कर सकें। और वक्त के साथ साथ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर वो ज़बान का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़रा कम हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आनी चाहिए अपनी ज़बान जो ना, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ बंगाली बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं कि उनका ज़बान आती है अपनी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हो आप? पन्नापुरी। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ कि अपनी ज़बान जो बंगाली ज़बान है वो अब आती है तुम्हें? जी। अच्छा, कभी गए हो बांग्लादेश जाने का सोचा कभी कि बंदा घूम फिर के आए? घूमने का शौक तो है, शौक घूमने का शौक है, कभी जाने का दिल करता है? जी। गए हो कभी? नहीं। मौका मिलेगा तो जाओगे घूमने फिरने? इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होनहार बच्चे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बातचीत कर लें आपके साथ थोड़ी सी। अच्छा, आप भी बंगाली कम्युनिटी से ही हैं? अच्छा, ये बताएं कि आपकी पैदाइश इधर पाकिस्तान की है या बांग्लादेश की पैदाइश है? इधर है। इधर ही की पैदाइश है? बुजुर्ग यहीं से, मतलब कहाँ से माइग्रेट करके आए थे बुजुर्ग जो थे आपके, जो दादा, परदादा या वालिद साहब? हमारा दादा किधर, पता नहीं हमारा ये। अच्छा, दादा का नहीं पता? अच्छा अच्छा, आपने अपने बच्चों को सिखाई बंगाली? आपको आती बंगाली बोलना? हाँ हाँ, बात करें ना हमारे साथ बंगाली है ना हम, ये कैमोन सी भला सी। अच्छा, कभी गए बांग्लादेश घूमने फिरने के लिए? नहीं किया कभी, दिल नहीं किया जाने का? नहीं किया। क्या बंदा अपना ऐसा पैसा लगेगा तो बांग्लादेश जाना है? हाँ पैसा तो लगेगा, सही बात, देगा तो जाएगा ना ये। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, रोड टूटे फूटे हैं सारे, तो क्या सहूलियत की क्या कमी है या फुकदान क्या है? रोड काम नहीं करेगा, बड़ा बनाया तुम्हारा, तुम पैसा दे पर काम नहीं कर रहे। हाँ काम नहीं कर रहे हैं। पानी वानी है इधर? हाँ पानी वानी है इधर? पानी किधर है? गाड़ी का पानी ना? पानी भी नहीं है, गंदा पानी है, पीने का पानी नहीं है? नहीं है। क्या मसले क्या है इधर इस इलाके में? यहाँ का इलाका का मसला सबसे पहले तो गैस का मसला है। अच्छा, ये गैस का जो लाइन गया हुआ यहाँ से, ये अंदर पानी घुसा हुआ, हमारे इलाका में गैस नहीं है। अच्छा, गैस भी नहीं है? गैस भी नहीं है। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस लकड़ी मकड़ी ला के गुजरा कर रहा है, अभी एक टाइम का हाथ होता है, दूसरा टाइम का भूखा रहना पड़ता है पकाने की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, और रोजगार है नहीं अभी? रोजगार भी नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल वगैरह? स्कूल में पढ़ता बच्चा। अच्छा ये बताएं, आप भी बंगाली कम्युनिटी से ही हैं? जी जी, मैं बंगाली हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी पैदाइश या आपके वालिद साहब की पैदाइश यहाँ की है? मेरा पैदाइश यहाँ का है। अच्छा जी, औरंगी टाउन का है। औरंगी टाउन कितने नंबर? 12 नंबर में। अच्छा 12 नंबर पे। और आपके जो आबा उजदाद थे, जो बुजुर्ग थे, 1965 से पहले आया हमारा वालिद साहब। कहाँ से, किस इलाके से आए थे? चिटागांग से आया हूँ। चिटागांग से आए थे 1965 से पहले। तो वहाँ पे अभी है रिश्तेदार वगैरह कोई? रिश्तेदार तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, सारा मेरा यहाँ है। सारे इधर आ गए थे? जी जी। कोई भी अब वहाँ पर भी नहीं? वहाँ पर कोई भी नहीं। अच्छा, कभी गए आप घूमने फिरने वहाँ पे? मैं गया नहीं। वालिद साहब को गए होंगे कभी? वालिद साहब तो 1965 से उस टाइम। अच्छा अच्छा जी, इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया। जी जी। तो अब बच्चों को आती है बंगाली? आपने बच्चों को सिखाई अपने? बंगाली आता है, यहाँ के जो बंगाली है वो आते हैं। कभी पछतावा तो नहीं हुआ इधर आके पाकिस्तान के, यार क्यों आ गए, अच्छे थे वहाँ पे अगर होते तो? पाकिस्तान में आके थे पहले सही था, अभी पाकिस्तान का हालात खराब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामू? खैरियत से हैं? ये बेटा इधर आओ जरा, ये आप पान बेच रहे हैं इधर? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा का है। अच्छा दूसरा का है। आप भी बंगाली हैं? हाँ बंगाली। अच्छा क्या खा, ये खाना क्या है, मशहूर खाना क्या है आपका? खाना? हाँ खाना चावल का थे, रोटी भी का थे। चावल थे, मछली? मछली क्या कहते हैं, मौसी चावल? मौसी चावल शौक से खाते हैं। हाँ आपकी पैदाइश इधर ही का है? हाँ इधर पता नहीं। आपके जो वालिद साहब थे या दादा थे वो कहाँ से? दादा थे, बाप दादा इधर से थे। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। और जी देखें, यहाँ पे मैं पहली बार कराची के अंदर, वैसे दुकानों पे तो मैंने देखा है ये पान वगैरह मिलते हुए, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गली के कोने पे यही एक छोटा सा ठेला लगाया पान का, ये पान बेच रहे हैं यहाँ पे भाई साहब ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये कौन सा पान है बेटा, ये कौन सा, कौन बेच रहा है? ले जी, यहाँ पे ये पूरा मच्छर कॉलोनी का इलाका है, और यहाँ पे ये देखें पान, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं शौक से, तो पान आपको यहाँ पे नॉर्मली कॉमन जो है मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे दुकानें भी हैं सारी, और ये पूरा बाज़ार है, और हमारी बंगाली कम्युनिटी जो है यहाँ पे आबाद है। आइए चलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। कुछ यहाँ चीज़ें रखी हैं, ये देखें पान, यहाँ भी पान रखा है,
अच्छा ये बताओ, ऐसी दुकान है जहाँ पे बांग्लादेश का सामान मिलता हो? बांग्लादेश का सामान मिलने वाला कोई नहीं है दुकान पे। अच्छा, ये कुछ बंदा जो ना ऐसी रोड में आगे जो ना बेचता है, वो है कहीं यहाँ पे? अभी ये चलते फिरने वाले लोग है, वो हर टाइम पे नहीं मिलता। अच्छा, हर जगह पे नहीं मिलता? नहीं। आप भी बंगाली हो? जी। आती बंगाली बोलना? बिल्कुल आता है। यार क्या बोला? बालोवासी। बालोवासी। अच्छा, कभी गए हो बांग्लादेश? नहीं। और जी ये मच्छर कॉलोनी बंगाली पाड़े का जो है पूरा बाजार है, जावर चौक। कौन सा? जावर चौक पे हम आ गए हैं इस टाइम पे। और ये देखें, पान छालिया की दुकान है यहाँ पे, पान छालिया बिकती है बहुत, क्योंकि लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बातचीत हो सकती है आपके साथ? बातचीत हो सकती है। अच्छा ये भाई ये बताएं कि देखें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे पान और छालिया की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं पान वगैरह इधर? यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं पान। अच्छा, आप भी बंगाली हैं? जी। ये कौन कौन सा पान है? ये छोटा पान भी नजर आ रहा है, बड़ा भी देखा मैंने। कराची पान है ये? कराची पान है? कराची तीन नंबर पान है ये। अच्छा, तो इसकी ये कराची से ही मिलता है ये? मतलब पैदा कराची से आता है? सिंध से आता है। और कौन सा पान होता है? सांची होते हैं, वो चलता नहीं है यहाँ। सांची नहीं चलता इधर? सांची नहीं, कराची चलता है। अच्छा, कराची चलता है। बाकी ये छाली वगैरह इधर सारा, सुपारी वगैरह, कत्था वगैरह? ठीक है ठीक है। ये क्या, इसका रेट क्या होता है? इसका रेट मुख्तलिफ होता है, कभी ऊपर होता है कभी। अभी क्या किलो चल रहा है ये? अभी ये चल रहा है 1200। 1200 रुपये? 1200 का रेट होता है जी, बड़ा महंगा होता है जी पानी है। और जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये आराम से मिल जाएगा। आ जाओ भाई, चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं। ये मच्छर कॉलोनी है, यहाँ पे हमारे बंगाली कम्युनिटी आबाद है। अच्छा जी, एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं। भाई जान क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप भी बंगाली हैं? हाँ बंगाली। क्या ये कौन सा साग है? मैंने कभी देखा नहीं इसको, ये कैसा बनता है? अरबी का है ये? अरबी का क्या है? ये हम लोग का बंगला जुबान में बोलता है, लोती बोलता है। लोती बोलते हैं? जबरदस्त। ये लोती पकता है, ये गोश्त में पकता है या क्या, सादा पकता है? ये जिंजा से पकता है। किसे? जिंजा। जिंजा? जिंजा क्या होता है? जिंजा क्या चीज़ है? जिंजा नहीं होता है समुद्र में? हाँ झींगा। अच्छा झींगा, झींगे के साथ पकाते हैं। लो जी ये झींगे के साथ बनती है जी, ये साग है। और ये क्या साग है? ये अरबी का साग है। ये अरबी का साग है? इसको किसके साथ पकाते हैं? ये इसको, ये नहीं है झींगे का बच्चा नहीं है? हाँ हाँ, उससे पकाते हैं। अच्छा झींगे के बच्चे के साथ पकाते हैं। अच्छा ये बताएं, आप इधर ही पैदा हुए हैं? नहीं, मैं तो उधर पैदा हुआ, लेकिन आया मैं तो बहुत टाइम हो गया। नहीं नहीं, किस जगह पे पैदा हुए वैसे? उधर पैदा हुआ। नहीं नहीं, किस जगह पे? वो जगह पूछ रहा हूँ। ये सीटागंग। अच्छा सीटागंग में पैदा हुए थे? जबरदस्त जबरदस्त। कभी मुलाकात, कभी गए हैं यहाँ? जाना हुआ है? रिश्तेदार वगैरह तो रहते हैं ना? नहीं, रिश्तेदार तो इधर ही है, सारे इधर ही है। उधर कोई नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, मेहरबानी। ये देखिए, खास ये होता है, ये हमारे आम तौर पे देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि खाई जाती है झींगे के साथ और मछली के साथ बनती हैं चीज़ें। आइए आगे चल के और देखते हैं क्या मजीद चीज़ें दिखती हैं। अच्छा हाँ, ये देखते हैं एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कौन सब्ज़ी है? ये सिंपली पापड़ी। क्या है? पापड़ी। पापड़ी पापड़ी। इसको पकाते हैं किसी चीज़ के साथ? मच्छी से पकाते हैं, और मच्छी से पकाते, झींगे से पकाते हैं। अच्छा, ये मच्छी और झींगे से पकाते हैं, मतलब ये बंगाली का खास डिश बनता है? बंगाली का खास डिश। हाँ, इसको पापड़ी बोलते हैं? पापड़ी बोलते हैं। ये जी पापड़ी है जी, ये कहाँ से? ये कराची में उगती है? कराची वो बोलते हैं, कराची में उगती है। अच्छा, मार्केटों में दिखता बहुत कम है मुझे ये वाला सब्जी। ये साल में सर्दी में आते हैं। अच्छा सर्दियों में? सर्दियों में आते नए आलू और पापड़ी सर्दी में आते हैं। अच्छा, ये मछली के साथ पकती है? हाँ मछली के साथ पकती है। चले मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आइए जी, ये देखा पापड़ी एक सब्जी है, इसको पापड़ी बोलते हैं, मछली वगैरह है। हाँ हाँ चलो। और इसी के साथ, क्योंकि जब हम बंगाली कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ मछली का जिक्र ज़रूर होता है। और ये देखें मछली बाजार है यहाँ का, यहाँ पे मछली जो है ना बड़ी तादाद में मिलती है इधर। वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सी मछली है? हीरा, हीरा, हीरा। अच्छा, हमारे बंगाली भाई हैं, वो कौन सा मछली ज़्यादा पसंद करते हैं? मछली कांगड़ा हो गया, फरमानी हो गया, ये क्या बोलते हैं, डंडिया हो गया। ये सारा समुद्री मछली होता है? समुद्री। क्या किलो है ये? फिर ये 300 रुपये किलो है। कितना? 300। मच्छी 1200 का? मच्छी 1200। अच्छा सिरी 300 रुपये किलो है? ओ भाई, ये सिरी जो है 300 रुपये किलो है, और ये 1200 रुपये किलो है। और ये क्या चीज़ है? बम्बूल। ये मैया 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 नहीं है, बम्बूर बोलते हैं इसको। बम्बूर बोलते हैं भाई? ये कोई जानवर है बम्बूर? ये पता नहीं मछली है, ये भी मछली है। चले शुक्रिया शुक्रिया। चले जी, ये मछली बाजार है इधर का, आइए। और यहाँ पे ये देखें, ये छोटी छोटी भी मछलियाँ हैं, और ये मुंडी ज़्यादा शौक से खाई जाती है। आजा भाई क्या हाल है? ये झींगा, छोटा छोटा झींगा कैसे पकता है? ये पकता है झींगा? जी जी। किस में पकाते हैं इसको? इसको सालन में।
साल में पकाते हैं, कैसा रेट है इसका, कैसे दिया? 100 रुपया पाव है। 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो जी। और ये मछली जो है ये कैसे दी है? ये 300 रुपये किलो। ये कौन सा मछली है? ये बांगड़ा मछली है। बांगड़ा जी, ये भी पकाते हैं इसको, बांगड़े को जी साबुत के काटे फ्राई भी करते हैं। ये जी बांगड़ा मछली है और मुख्त और मुंडिया पड़ी है इधर, ये सामने साथ झींगे हैं, 100 रुपये पाव है। और बड़ी मछली भी है इधर, भाई से बात करेंगे। ये देखें बड़ी मछली, ये इतनी बड़ी बड़ी मछली भी आती है भाई है। और ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। भाई ये कौन सी मछली है? इसको मोरा बोलते हैं, मोरा है। मोरा मछली, ये क्या किलो होती है? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो है। अच्छा ये बताएं कि आपको अपनी जबान आती है बंगाली? हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो ना यार, कैमो नाशी मालासी। अच्छा आप कहाँ से हैं? आपका वैसे पाकिस्तानी है वैसे तो? पाकिस्तानी मेरा पीछे रिहाइश है। अच्छा नहीं, वैसे आबाओ अजदाद कहाँ से, बांग्लादेश किधर से आए थे? बांग्लादेश तो ढाका से आए। अच्छा ढाका से, मेन ढाका से? मेन ढाका से। कभी गए वहाँ पे मुलाकात? नहीं, वहाँ से वहाँ पे जब माँ बाप का दौर पे आया और कभी गया। रिश्तेदार वगैरह भी नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखें जी मछली बाजार है सारा, और साथ साथ ये सब्जी की कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खास सब्जी है जो आम मार्केट में नहीं मिलती है? बिल्कुल। कौन सी ये चीज़? किसी मार्केट में नहीं है, ये वाहिद बंगाली पाड़े में। हाँ ये इसको क्या कहते हैं, पापड़ी बोलते हैं? इसको पापड़ी बोलते हैं, उर्दू में बंगाली में सीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीम। सीम है ये। और कौन सी बंगाली सब्जी को खास? बंगाली सब्जी तो ये भी है, लाल चुनाई, इसको बोलता बरगड़ी चाई। बरगड़ी चाई, ये किस लिए होती है, कैसे पकती है? ये भी झींगे से पकता है। झींगे सारी पकाते हैं ये सारा कुछ? ओह सर वो है, ये बांग्लादेश का नस्ल है। ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या चीज़ है? ये लौकी है। अच्छा लौकी है ये। अच्छा अच्छा, ये लेकिन ये आप नस्ल बांग्लादेश का है? इधर पे तैयार, यहीं पे हो तैयार, इधर ही कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात कर सकें। ले जी सूखी मछली बड़ी मशहूर है, बंगालियों के अंदर बहुत शौक से खाई जाती है। ये क्या होती है, कौन कौन सी सूखी मछलियाँ होती हैं? ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई थी आपको। ये कौन सी मछली है? चिन, चिन। अच्छा अच्छा, बाबा जी ये बताएं आपकी पैदाइश इधर ही पाकिस्तान की या बांग्लादेश पैदा है? हम लोग, हमारा फौजदार बांग्लादेश में। बांग्लादेश किस जगह, कौन से शहर में? हम लोग का तो खसवाहार से आगे। अच्छा अगर देखो, मैं जो खसवाहार का नहीं पता, मुझे ढाका या चटागोंग से बताएं किस तरह? चारा आगे, उससे भी आगे। आगे आप गए कभी? कभी गए उधर बांग्लादेश? हाँ गया, 20 साल का बाद गया ढूंढने के लिए। 20 साल का बाद ढूंढने? तो वहाँ पे रिश्तेदार अभी हैं आपके? दो भाई है, दोनों मर गया। अच्छा सगे भाई, उनका बच्चा वगैरह होगा? हाँ होगा बच्चा बच्चा, वो भी सब सऊदी अरब में। अच्छा सऊदी अरब में, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। तो ये जी सूखा मच्छी दिखाया हमने आपको और उनसे बात भी की। बाबा जी के दो भाई हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। इलाका आपने सुन लिया कौन सा था। एक और दुकान है जी, ये देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी किस्म की जो मछलियाँ हैं। और जी जाफर चौक पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक बंगाली होटल के नाम से होटल मिलेगा आपको, जहाँ पे ख़ास जो बंगला डिशेज हैं, मछली चावल वगैरह वो मिलती है। आइए चलते हैं अंदर, तो चल के देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या चाल है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर। बाबर भाई ये बताएं कि ये खास बंगला होटल है आपका ना, बंगाली होटल है जी। क्या क्या खास डिशे बंगाली यहाँ पे मौजूद है? मच्छी। अच्छा मच्छी चावल। मच्छी चावल, अच्छा क्या मच्छी के अंदर कितनी डिशे? एक ही डिश है बस? पाँच छः डिश। पाँच छः डिशे, तो मुझे अगर किचन का विजिट कराते हैं, अगर आप एक दफा देख लूँ क्या क्या सालन है आपकी इजाज़त से? मच्छी है, भुना है। आई जी देखते हैं अंदर है कोई बात बात करने के लिए। ले जी ये दिखाइएगा सर, मच्छी कौन सी है? मच्छी मच्छी देख लो, ये भुना है। ये भुना है, ये मछली का? ये भी नहीं, ये भुना है। अच्छा भुना है मछली, ये लगा दिखाए ना जरा, चम्मच से निकाल के दिखाए ना थोड़ा सा। ये जी दिखाते हैं आपको मछली, जो मछली का सालन है, कई किस्म के बता रहे हैं सालन होते हैं। एक ये सालन है, ये कौन सा सालन है? ये मछली का रोहू है। ये रोहू मछली का सालन है। और ये क्या है? ये सिल्वर है। अच्छा सालन एक ही है और बस वो मछली अलग है। अच्छा और दूसरा कौन सा मछली है? ये जी ये कौन सा मछली है? ये भी मछली है, सुरमानी है। ये सुरमानी मछली है। अच्छा मछली की तीन किस्म की तो मैं देख चुका हूँ अभी। ये मुर्गी का पोटा है। अच्छा मुर्गी का पोटा है, इसका भी सालन बनाया है। और ये दाल है? ये दाल। अच्छा ये दाल पतली बनती है, इसके अंदर भी मछली होती है? नहीं नहीं, अच्छा मतलब चटनी जैसे दाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस दाल वैसे। और ये सब्जी है? ये सब्जी का सालन है। अच्छा ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और ये चावल, ये चावल कौन से इस्तेमाल होता है? ये वो है एरी सिक्स बोलते हैं। अच्छा जी ये कौन सा चावल बता रहे हैं?
ये सफेद चावल है, ये सफेद चावल है जी। ये उबला हुआ चावल होता है, मोटा चावल होता है। चले बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू यार, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। तो जी यहाँ पे कई किस्म के जो है मछली के सालन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे इस होटल में आके आप खा सकते हैं मछली चावल। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो मैंने भरपूर कोशिश की तमाम जो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक करें, शेयर करके और लोगों को ज़रूर बताएं, आगाही दें, क्योंकि अवेयरनेस होती है। हमारे कराची में मौजूद मच्छर कॉलोनी थी, जहाँ पे बंगाली पाड़ा कह लें या बंगाली कम्युनिटी आबाद है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।